मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के घर सीबीआई का छापा। तीस्ता पर ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी का आरोप। पाकिस्तान से बातचीत पर सामना के जरिए शिवसेना ने मोदी पर दाखे सवाल पूछा, क्या बातचीत के बाद भारत में बंद हो जाएगा आतंकवाद। महाराष्ट्र में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने बीजेपी के मंत्रियों पर कसा ताना, व्यंग में बनाई पैरोडी। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने किया हंगामा, लेकिन नारेबाजी के बीच पेश होते रहे विधेयक। मुंबई मेट्रो किराया बढ़ोतरी को लेकर रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ अदालत जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा करीब 11.5 किलोमीटर का किराया 10 रुपए तक बढ़ाना सही नहीं, 110 रुपए तक करना सही नहीं। महाराष्ट्र में पत्रकारों पर लगातार हमलों पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, कहा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर। महाराष्ट्र में गैर अनुदानित प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, मनमानी फीस वसूली को लेकर विधेयक, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए दी जाएगी काउंसलिंग, अधिकारियों को बताया जाएगा सैलरी के अनुसार ही करें खर्च। अधिकारियों को अन्ना हजारे समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता देंगे ट्रेनिंग। राज्य सरकार प्रकाश आमटे, वरिष्ठ पत्रकार उत्तम कांबले के लिए मदद। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थानीय प्रशासन से परेशान 7 किसानों ने आत्महत्या करने की मांगी इजाजत, कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं किसान। किसानों के जख्मों पर फडणवीस सरकार लगाएगी मरहम, अप्रैल 2015 के बाद यवतमाल जिले में खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार वालों को मिलेगा मुआवजा। हिट एंड रन मामले में सलमान की याचिका को मंजूरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक सभी दस्तावेज के अनुवाद की कॉपी सौंपने को कहा, जिनकी मांग सलमान ने की। 2002 के हिट एंड रन में 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान ने अपील की थी। ड्रंक एंड ड्राइव कानून के 2 सेक्शन, धारा 304A और 279 में जरूरी बदलाव लाने में देरी पर राज्य सरकार को फटकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 6 महीने बीत गए, गंभीरता से ले राज्य सरकार। मुंबई के मरीन बीच पर बाइकर्स गैंग की गुंडागर्दी को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर, सुबह सुबह टहलने के लिए जाने वालों को तंग करते थे बाइकर्स। आज महाकुंभ आज से शुरू, 25 सितंबर तक चलने वाले कुंभ में 1 करोड़ तक लोगों के आने की उम्मीद। कुंभ में दिखेगा प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान का साफ साफ रूप, गोदावरी के किनारे की साफ सफाई के लिए 15,000 लगाए गए वॉलंटियर्स। नासिक में 7 घाटों और त्र्यंबकेश्वर में 4 घाटों के लिए राज्य सरकार ने 2,387 करोड़ रुपए का रखा बजट, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा गया ख्याल। मुंबई में लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते मामलों में बीएमसी ने अपने अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए जारी की गाइडलाइंस, राज्य सरकार ने दिए थे आदेश। बीएमसी के अस्पतालों के प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा लेप्टोस्पायरोसिस का इलाज, लैब टेस्ट के लिए लोगों को देने होंगे 1,600 रुपए। उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, माल्या ने फेरा के तहत चल रहे आपराधिक मुकदमे को निरस्त करने की लगाई थी गुहार। मुंबई में बेस्ट विभाग ने आर्थिक परेशानी से निपटने के लिए बनाया प्लान, मराठी फिल्मों और सीरियल के कलाकार बस में घूमकर बेस्ट के लिए करेंगे प्रचार। मुंबई की सड़कों की बदहाली से लोगों की बड़ी मुश्किलें, बारिश नहीं होने के बावजूद अब भी नहीं भरे जा रहे गड्ढे। मुंबई के मौसम का हाल बताने वाले डॉपलर राडार फेल, बिजली सप्लाई की गड़बड़ी से हुए फेल। मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स को खुले पैसों की भारी किल्लत, ऑटो यूनियन ने लोगों से खुले पैसे देने की अपील की।